नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। और इस वक्त मैं आ चुका हूं कुंभ मेले के क्षेत्र में। यहां इस बार कुंभ तो नहीं, लेकिन माघ मेला ज़रूर आपको दिखाई देगा। और मकर संक्रांति के दिन स्नान जो होता है उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा यहां पर माघ मेला। और माघ मेले में फिर से यहां पर साधु संत जो हर तीर्थयात्री हर तीर्थ स्थानों पर रहते हैं वो यहाँ पर आकर के निवास करेंगे। यहीं पर आकर के वो अपना पूजा पाठ करेंगे। तो देख सकते हैं दर्शकों कि इस वक्त जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं और व्यवस्थाएं लगभग 70% हो चुका है और 30% अभी बचा हुआ है। और साधु अभी नहीं आए हुए हैं, साधु संत नहीं आए हुए हैं और वो बहुत जल्द आ जाएंगे वो भी, क्योंकि 14 तारीख को स्नान है मकर संक्रांति का। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, कुटिया वगैरह बनाई गई है साधु संतों को निवास करने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए। वहाँ देख सकते हैं कि हवन कुंड भी यहाँ पर बनवाया गया है और यहीं पर साधु संत लोग बैठेंगे, दरबार करेंगे, यहीं पर हवन करेंगे। और इधर देखिए, इधर ये जो कुटी है, कुटी आपको ये फील कराएगा जिस तरह से भगवान राम वनवास में गए थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी कुटिया बनाया था, सेम उसी तरह से ये दिख रहा है। आइए आपको जल्दी से दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर बात करेंगे, आ जाइए जल्दी से। और देख सकते हैं आप कि अभी आपको ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और मकर संक्रांति के दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या नाम है आपका? मेरा जी क्या नाम है? अमर राहुल कुमार। तो यहाँ पर किस तरह आप यहाँ पर जो है रहने के लिए आए हैं या फिर कुछ और? महाराज जी की सेवा में हैं हम लोग। महाराज जी का क्या नाम है महाराज जी का? रामदास जी महाराज। तो श्री रामदास जी महाराज के ये शिष्य हैं और श्री रामदास जी महाराज के सेवा में आए हैं। आइए पूछते हैं यहाँ पर लोगों से कि मेला इस बार का कैसा होगा, माघ मेला इस बार का कैसा होगा, साधु संत जो आ रहे हैं वो किस तरह से इस बार, क्या नाम है आपका, शुभ नाम पहले बता दीजिए। मुकेश पहलवान। मुकेश पहलवान है। तो इस बार का माघ मेला किस तरह से होने वाला है? मेला बहुत गड़बड़ है। क्यों मेला गड़बड़ है? ऐसा सरकार चल रहा है, ऐसा यहाँ की व्यवस्था है। हाँ। जो अधिकारी हैं वो एकदम गड़बड़ अधिकारी हैं। नहीं नहीं, बात ये है ना कि बीच में पानी भी बरस रहा था, मौसम भी तो खराब था। कुछ व्यवस्था उनका करावी चाहिए ना, यहाँ उतरने के कोई व्यवस्था नहीं है। मेन रोड यहाँ नहीं बन पाई है, नहीं बन पाई है, हर साल बन जाती थी। यहाँ से आदमी आता जाता है, काम बहुत लेट में हुआ है। तो काम दर्शकों ये जान लीजिए, काम इस बार माघ मेले का बहुत ही लेट लपेट हुआ है। जमीन लेट में कटी है, जमीन भी वही व्यवस्था और माटी वाटी में देख रहा हूँ कि जो निर्माण कार्य जिस तरह से चल रहा है लग नहीं रहा है कि परसों नावन है। देखो अभी ट्रैक्टर चल रहा है, ये क्या है ये? तो इसमें तो सरकार की जिम्मेदारी। तो वही तो कह रहे हैं ना, नयान साल इतना बढ़िया मेला जम जाता था। हाँ। तो मतलब सरकार से खुश नहीं है इस बार? नहीं नहीं नहीं, सरकार से खुश नहीं है। हम तो नहीं खुश। दर्शकों ये जान लीजिए कि चुनाव भी उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये प्रयागराज ये कुंभ नगरी है और ये कुंभ नगरी जो है ना यही डिसाइड करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। ये आप जान लीजिए, आप इस प्रयागराज को हल्के में नहीं ले सकते। और प्रयागराजवासी अगर जिस नेता से खुश हैं, जिस मुख्यमंत्री से खुश हैं, तो उसकी कायाकल्प बदल जाती है, ये आप जान लीजिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पंडित उमा शंकर द्विवेदी है। हाँ, तो क्या आप किस तरह से, क्या सहमत है इस तरह, जिस तरह से इस बार व्यवस्था है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि 70% लगभग काम हो चुका है, 30% बचा है, तो
क्या क्या लगता है आपको? देखिए थोड़ा सा तो रखिए, जो अभी आप देख रहे हैं, जो जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। क्यों? पानी बरसने की वजह से, चार पाँच दिन पानी बरसा, इस वजह से मौसम में थोड़ा सा ढीलापन आ गया, थोड़ी सी अव्यवस्था आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन मेला सुप्रीम का होगा, अच्छे कंडीशन का होगा, सबसे बढ़िया होगा, और मेला की व्यवस्था का संचार भी अच्छा होगा, संचार अच्छा चल भी रहा है। वो भी मनुष्य है जो भीजते हुए में काम कर रहे हैं, ठंडी के सीजन में कौन मरने के लिए तैयार हो जाएगा, पास ही कंधे मुहिम लगाएगा। सही बात है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं। और जहाँ तक सरकार की निंदा है, ये तो कुछ ऐसे ही लोग जो सरकार की निंदा करेंगे, सरकार भी अपनी व्यवस्था सही है, सरकार ने जो जैसा किया है, हमारी उम्र इस समय 84 साल की, और 3 जनवरी 1937 मेरी पैदाइश है, और उसके बीच में अभी तक हमको ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला जैसा अभी वर्तमान में चल रहा है। हमारे यहाँ प्रयाग की ये जो भूमि है, ये आशीर्वाद देगी, व्यवस्था चलेगी, समाज का कल्याण होगा, और बहुत ही तेज कार्य होगा 2-3 दिन बाद। अभी जो देख रहे हैं, जहाँ आप आए हैं, इस आश्रम में ही कम से कम प्रतिदिन 100-200 आदमी खाते हैं, 50-60 तो संत लोग ही यहाँ खाते रहते हैं, यहाँ रहते हैं, इनका निवास रहता है, ऐसे साल के बरहों में अपने यहाँ अड्डा जमाए रहते हैं। तो धर्म कार्य में रुचि प्रशासन के लिए नहीं, धर्म कार्य की रुचि अपने माध्यम से होती है। ये जो भी काम चल रहा है सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई परेशान नहीं है, आज उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। कुंभ मेले का अगर देखा जाए, कुंभ 2019 वैसे तो अर्ध कुंभ था, लेकिन उसको कुंभ नाम दिया गया था, आप साइड हो जाइए, कुंभ नाम दे दिया गया था, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं थी, क्या लगता है कि अखिलेश यादव सही थे पहले, या फिर 2019 वाला कुंभ अच्छा था योगी वाला? देखिए योगी वाला 2019 बहुत अच्छा था, एक बहुत अच्छा था, उसको कुंभ अर्ध कुंभ था, लेकिन कुंभ नगरी खासियत बताइए। इसकी खासियत ये थी कि कोई अर्थव्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, जो जरूरत आदमी पड़ता था वो मिलता था, हर जगह आदमी का, हर जगह लाइटिंग बाथरूम की और पानी की, हर जगह की सुविधा एकदम एक नंबर की थी, रोड भी नंबर एक का बना हुआ था, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी कि कहाँ आदमी कहीं भटक जाए। पुलिस वाले से लोग पूछते थे कि कहाँ जाना है, वो तुरंत बता देते थे एरिया का नाम, सेक्टर भी हर आदमी को सेक्टर पता था, हर पुलिस वाले को, यहाँ के लोकल जनता को सेक्टर पता, लोग लोकल जनता से पूछते थे तो लोग बताते थे कि हाँ। और अखिलेश का बात किया जाए, अखिलेश को बात किया जाए, और ख़ासतौर से अखिलेश की सरकार में जिस तरह से यहाँ पर माघ मेला लगता था, और कुंभ मेला भी लगा है, ऐसी बात नहीं है, तो उनको आप अगर 100 में से नंबर देना हो और योगी आदित्यनाथ को देना हो, तो आप योगी को और अखिलेश को कितना कितना नंबर देना चाहोगे? 75% मैं योगी का दूंगा, 25% मैं अखिलेश यादव का। कारण है कि मेले में संतों का ये मेला है, इस कारण से मैं 75, क्योंकि वो संतों को देखे कि कैसे होता है, कैसे कराया जाता है, मेले उनको पता था, योगी भी संत तो संतों का तो बढ़िया, इसलिए 75% मैं योगी का दूंगा। अच्छा अच्छा, तो ये जान लीजिए दर्शकों, लोग कुछ हैं जो कहेंगे कि योगी जब से आए हैं साधुओं की व्यवस्था में कोई कमी नहीं हुई है, और ख़ास तौर से देवी देवताओं के लिए जिस तरह से योगी ने किया शायद ही अखिलेश कर पाए। तो और लोग हैं, क्या नाम है आपका? बिक्की अड्डो। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि अखिलेश को 20 नंबर उन्होंने दिया और योगी को उन्होंने 75 नंबर दिया, तो आपका क्या कहना है इस पर? हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल बोलिए, क्यों नहीं बोलना चाहेंगे? नो कमेंट। आपको लगता नहीं कि योगी अच्छे नहीं है? मैं किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं कह सकता, रही बात मेले की व्यवस्था को लेकर, आप बोलिए, क्यों नहीं बोलना चाहते, क्यों नहीं बोलने? मेले की व्यवस्था, आज से नहीं, शुरू से जब से मेला चल रहा है तब से सरकार करती आई है, सरकार वो कोई भी रही हो, मेले की व्यवस्था में कभी कमी नहीं हुई, क्योंकि उसका बजट जो है वो सरकार देती है, ना कि मेला कराने वो आते हैं। उन्होंने तो 75 नंबर दिया, भाई मैं 100 नंबर दे रहा हूँ, उसमें क्या क्या कहें? तो दर्शकों, ये आप जान लीजिए कि लोगों का कहना ये है कि सरकारें चाहे जो आए यहाँ पर प्रयागराज में, चाहे कुंभ मेला आए, चाहे माघ मेला आए, अर्ध कुंभ आए या महाकुंभ आए, सब अपने अपने तरफ से अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लेकिन देखा जाए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से 2019 में उन्होंने काम किया है,
2019 में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है साधुओं के लिए, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, तो शायद ही अखिलेश कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि यही सिस्टम है। और आइए आइए दिखाते हैं, क्या नाम है आपका? कपिल गौतम। कपिल गौतम, आप ये बताइए क्या लगता है कि इस बार का मेला कैसे होगा? बहुत सुंदर ढंग से बीतेगा, बढ़िया बीतेगा। और यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर क्या, क्या सब बढ़िया व्यवस्था है? योगी जी बढ़िया ही व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप देखिए, आप लोग नहीं, आप लोग, आप हर इंसान का अपना अपना राय होता है, तो व्यक्तिगत राय होता है, इसमें कोई हमारे ऊपर कमेंट है नहीं, किसी के ऊपर व्यक्तिगत आप कमेंट नहीं करें। आप किया ही नहीं। आप देखिए, सरकार आती है जाती है, लेकिन जानते हैं आप लोगों का फर्ज बनता है कि मिल कर रहो, भले ही आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? बाकी जो कमेंट करें, देखिए क्या होता है ना, हम आपको नहीं कमेंट किए, कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे लोग कह देते हैं, लेकिन हकीकत ये, पानी बरसने की वजह से लेट हो गया, सारी व्यवस्था गड़बड़ा रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है। और बाकी आपने मेला लेट में नहीं चालू हुआ है, सब काम लेट में नहीं चालू हुआ है, बिल्कुल लेट है, है? बहुत लेट। नहीं नहीं, मेला लेट में जितना आदेश जैसे हुआ था, हाँ। उतना आदेश उसे हो गया, सब चल रही थी, जब आज 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 दस दिन से क्लाइमेट जो है वो अंड बंड हो गया, इसलिए सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई। दर्शकों देखा जाए तो जिस तरह से मौसम है, नहीं चापलूसी बोल रहे हैं उनका, हाँ। देखा जाए तो सही, इनका कहना भी सही है। प्रशासन साला क्या कर रहा है, इतना माटी, इतना हर चीज, कोई दर्शकों आप ये जान लीजिए, ये जनता है, जनता जिस पार्टी को सपोर्ट करती है, और उस पार्टी का अगर कोई रोस्ट करने लगे तो यही होता है। आप देख सकते हैं कि यही सब सिस्टम चल रही है, अगर तो यही सिस्टम है, अगर किसी पार्टी का कोई कट्टर समर्थक है तो वो उसकी उस पार्टी का कोई बुराई कर रहा हो, उसके खिलाफ बोल रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता। और ये जनता है, और जनता में यही सिस्टम होता है, ये आप जान, जैसे भाई साहब ने कोई कमेंट नहीं किया, वही चीज होता है। और आपको क्या लगता है दर्शकों, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आती थी या फिर योगी की सरकार है, कौन है अच्छा, ये आप अपना राय बताइए। नमस्कार, और आपको मिलते हैं, आपसे मिलते हैं 14 तारीख को, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के स्नान को आपको दिखाएंगे, जरूर देखिएगा।